तो फिलहाल में अभी हम आ चुके हैं एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ मंडी में मैं जाता हूँ तो लोग सिर्फ एक ही सूचना देते हैं कि भाई आप अगर इस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बहुत सारे आलू जो हैं डंप लगे मिल जाएंगे। तो दादा ये कौन सी जगह है? कमौली है। कमौली, और ये क्षेत्र कौन सा पड़ता है? ताजपुर रठोरा। ये क्षेत्र जो है ताजपुर रठोरा का क्षेत्र है और यहाँ पे मैं आया था, मैंने भी देखा था, लगभग अभी मेरे नज़र में ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 डंप मिल गए हैं, मतलब आलू का डंप लगा हुआ है। आपको दिखा देते हैं थोड़ा खोल के। ये कौन सा आलू है दादा? बहुत ही, मतलब इतना आप देख पा रहे हो, इतना बहुत मजबूती के साथ इसको ढाका गया है और लग रहा है कि जैसे कि इसको साल भर ढाका रहेगा दादा, इतने मजबूती के हिसाब से इसको ढाका है। अभी तक मैंने कम से कम 4-5 परतें लगा निकाल ली है, फिर भी आलू नहीं दिखाई दिया है। ये देखो, इधर ले आओ कैमरा मैन भैया, इधर दिखा दो थोड़ा। ये देखो, ये डंप लगाया आलू, ये रहा टोटल दादा। ये ग्रेडिंग करके लगवाया क्या? साफ सफाई करके लगवाया गया ना ये आलू? तो ये आलू आप लोग देख लीजिएगा, ये आलू है, ये डंप लगाया गया है, ये रहा आपका, ये देखो कौन सा आलू है? ख्याती ख्याती आलू है। इसको बंद कर दो और आपको दिखा दें, ये लगा पूरा का पूरा डंप, देखो ये रहा। लेकिन जानकारी के लिए आप सभी भाइयों को बताते चलें, एक डंप ये है और 2 डंप वहाँ पे है। डंप की मात्रा पिछले साल की अपेक्षा से कैसी है ये भैया से जानते हैं। दादा ये बताओ, जो डंप लगाया गया है पिछले साल से कम लगे या ज़्यादा? कम लगने का क्या कारण रहा? कम क्यों लगाए लोगों ने? पहले जैसे जितने लगाए उन्होंने कम क्यों नहीं लगाए? खाली खेत करके अपने मुंह नहीं, पहले तो बहुत लगाते थे, अब कम क्यों लगाए इस साल? सर चले गए खेत के कुंड में। कुंड में मतलब? अच्छा, इस साल कोल्ड में ज़्यादा डाल दिया और डंप कम लगाया, ये हुआ ना। और आलू वगैरह कैसा निकला था? आलू कम निकले। अब दादा हमें ऐसा लग रहा है एक भी खेत नहीं बचा आलू खुदाई के लिए, एक भी खुदाई समाप्त हो चुकी है और डंप की अपेक्षा जो है पिछले साल से जो है माना जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा आधा है कि उससे भी कम? कम है, आधा आधा है, कम है। आधा आधा से भी कम है, मतलब पिछले साल जिस हिसाब से लगाया जाता था इस साल उस हिसाब से नहीं लगा है, इस साल बहुत ही कम डंप लगा है। बाद बाकी चलो आपको दूसरा भी क्षेत्र इसी वीडियो में दिखाता हूँ आगे चल के, और देख लेते हैं कि आगे जो है आगे लोग भी बताते हैं कि उधर भी डंप लगाए गए हैं, उधर भी देख लेता हूँ उधर डंप लगे या नहीं लगे। जय जवान जय किसान, नमस्कार दुआ सलाम। तो अभी फ़िलहाल में हम हैं आपका जहानगंज, मतलब फरखाबाद के जहानगंज के पतौंजा क्षेत्र में। ये सामने जो गांव दिखाई दे रहा है ये पतौंजा गांव है, जो लोग लोकल के हैं वो शायद जानते होंगे, और आप लोग वीडियो जो देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के फरखाबाद ज़िले के जहानगंज क्षेत्र का देख रहे हो। तो अभी मैंने यहाँ पे देखा है, हमें लगभग मेरे सामने जो है समथिंग 10 खेत दिखाई दे रहे हैं जिनकी की खुदाई नहीं हुई है, जो कि आलू की अभी तक खुदाई नहीं हुई है। तो अभी आप लोगों को बैक कैमरा से थोड़ा दिखा देते हैं कि ये आलू की खुदाई नहीं हुई है, और साथ साथ में जो भी बातें हैं वो भी बताते चलते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो देखो शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से आलू का रोज़ाना का अपडेट लाते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोग अपना आलू बिक्री करने से कम 8 जगह जरूर पता करें, क्योंकि इस समय मैं मंडी गया था, मैं देख रहा था आलू ढूंढा जा रहा है और मिल नहीं रहा है। चलो आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं और बात भी करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये खेत दिखाई दे रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बीघे का है, इस खेत की भी खुदाई नहीं हुई है, और इसके बगल में भी एक दो खेत दिखाई दे रहे हैं उसकी भी खुदाई नहीं हुई है, और इधर भी एक खेत दिखाई दे रहा है इसकी भी खुदाई नहीं हुई है, और आप वो देख रहे हैं इसकी भी खुदाई नहीं हुई है। और अभी तारीख समथिंग आपका 22 मार्च हो गया है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे भाई 22 मार्च का वीडियो है थोड़ा लेट कैसे? भाई यार जानकारी है एक आध दिन लेट भी हो जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आलू का भाव का अपडेट होता है उससे ज़रूर फ़र्क पड़ जाता है। तो आप लोग ऐसे ना किया करो, आपको जानकारी देता हूँ और अच्छी जानकारी देता हूँ अपनी समझ से। अब आप लोग ये सोच रहे हैं ये आलू की खुदाई रह गई है और इस क्षेत्र में और कितनी है? कोई भाई साहब खास खुदाई आलू की नहीं बची है, जल्दी समाप्त हो जाएगा, मतलब समापन हो जाएगा ऐसा हमें लग रहा है। बाद बाकी डंप की स्थिति पिछले साल की अपेक्षा से आधे से भी कम है, और जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया माहौल चल रहा है और सब कुछ ठीक ठाक है।
और ये अभी आगे दूसरे जगह चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि जो आलू की खुदाई हो रही है वो कैसे हो रही है, क्या है, और कोई ना कोई यहाँ का जानकार व्यक्ति मिलता है उनसे भी बातचीत कर लेंगे। और ये उनका यहाँ पे फार्म हाउस वालों का ये जगह बना है, अपना वो लोग रहते हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेंगे, उनसे पूछ लेंगे भाई इधर क्या कैसा स्थिति है। तो ये देखिए यहाँ पे इस क्षेत्र में ओनली ज़्यादातर डंप नहीं है, ओनली छोटा छोटा सा, ज़्यादा ज़्यादा 20 कट्टे का और 50 कट्टे का डंप हमें दिखाई दे रहा है। और अभी एक या दो जो डंप मुझे मिले थे वो ओनली 100 कट्टे के आसपास के थे। कह रहे हो आप लोग इक्का दुक्का खेत जो बचा है उसकी भी अब खुदाई हो चुकी है, बाद बाकी कोई खुदाई आलू की इस क्षेत्र में जो है बाकी नहीं है, एक दो खेत केवल बचे हैं वो भी खुदे जा रहे हैं, हालांकि सभी खेत बाकायदा खाली हो चुके हैं और सभी किसान भाई अपना दूसरा फसल कर रहे हैं। और क्षेत्र का व्यू देख लो आप लोग इस प्रकार से है, एक आध खेत वो उधर खोदे जा रहे हैं और बाद बाकी तो सब आलू खुद गया है, एक सिंगल खेत खुदने के लिए नहीं बचा है, जो भी बचा है उसमें खुदाई जा रही है। देखो भैया सीधी सीधी बात समझो, कोई खेत खुदने को बाकी नहीं है, जो खुद गया वो खुद गया। अरे भैया हरी बैल गाड़ी ले जा रहे हैं कोई, देखो हाँ